नमस्कार, मैं हूं रेनू भाटिया। आज की खास और बड़ी खबरों के लिए आपका स्वागत है न्यूज हब भारत में। प्रधानमंत्री आवास योजना घोटाले के मामले में न्यूज हब भारत की खबर का बड़ा असर। CDO कमलेश कुमार ने मामले की जांच करवाने के आदेश दिए। न्यूज हब भारत की स्पेशल कवरेज का असर आया जनता के हक पर आप सबके सामने। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी आवास योजना में डाका, 18 पात्रों के आवास का धन खाता नंबर बदलकर निकाला गया। मामला खुलने पर जांच के नाम पर हो रही लीपापोती। प्रधानमंत्री आवास योजना में हुए बड़े घोटाले पर प्रशासन मौन। CDO कमलेश कुमार ने मामले की जांच करवाने को दिया आदेश। मौदाहा ब्लॉक क्षेत्र के छिमौली गांव का पूरा मामला। नहीं, छिमौली वाले मामले में परसों मेरे संज्ञान में लाया गया है और मैंने इसका कल अध्ययन भी किया है। इसमें 18 लोगों का ये आपत्ति थी कि 18 लोगों का पैसा दूसरे के गलत खातों में डाल दिया गया है, उनके नाम का धनराशि। इसमें माननीय उच्च न्यायालय में भी लोग गए थे और इस पर डीएम साहब ने इस पर जांच भी कराई है। ये प्रकरण 18-19 का है, तो इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, जांच चल रही है। वैसे उसमें जिन लोगों ने ये शिकायत की थी उनमें एक पात्र था, उनको आवास उपलब्ध करा दिया गया, लेकिन 18 पात्र थे जो 19 कोर्ट में गए थे। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि जो अगर किसी के नाम की धनराशि दूसरे के खाते में कैसे गई, तो इसकी हम पत्रावली निकाल लिए हैं, इसकी हम जांच कराएंगे। जिस भी स्तर पर लापरवाही हुई है, जिन्होंने जानबूझ करके ऐसा किया है, ये आपराधिक कृत्य है और उनके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। केवल वसूली से ही हम संतुष्ट नहीं होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है, हमारे सरकार की भी मंशा है कि हर पात्र लाभार्थी को आवास मिले तो हम देंगे, लेकिन गलत खाते में जाएगा अपात्र लोगों को ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी और एक सप्ताह में हो जाएगी। हमीरपुर से आजहर हुसैन की रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।